सो ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15,000 के प्राइसिंग के आसपास में आने वाले टॉप 7 स्मार्टफोन्स के बारे में। और यहाँ पर हम जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, हर एक डिवाइस जो है अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी धमाकेदार फीचर्स के साथ में लेस है। साथ ही ये सभी स्मार्टफोन आपके हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट 15,000 प्राइसिंग के आसपास है और आप एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करने की प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ ही ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं रियलमी नार्जो 30 के बारे में, जहाँ पर आपको कम बजट में काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी गई है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली एलसीडी डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और वहीं आपको बैक साइड की ओर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि मेन सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल की मैक्रो एंड आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और वहीं इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 30 वाट की डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो अब बात कर जाए इसके चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलो G95 का एक गेमिंग चिपसेट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं होगा। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 13,500 है। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है, जहां पर आपको 6G प्लस 64GB की स्टोरेज दी गई है, जिसका प्राइसिंग करेंट टाइम में 14,499 है। एंड इसका एक और टॉप मॉडल आता है, जहाँ पर आपको 6G प्लस 128GB की स्टोरेज दी गई है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 15,499 है। तो यहाँ पर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग तीनों में से किसी ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस डिवाइस को सेल में बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 से 2 हज़ार का इजिली डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अगर आपको कम बजट में अच्छी वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। तो ये डिवाइस आता है मोटो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ मोटोरोला Z31। और यहाँ पर मोटो की तरफ से आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कमाल की डिस्प्ले दी गई है। और यहाँ पर आपको मिलता है 6.47 इंच की एक फुल एचडी प्लस की एमोलेड वाली डिस्प्ले, जो कि 700 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। लेकिन ये डिस्प्ले आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज पैनल के साथ ही आता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, तो यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह काफ़ी पंची दिखाई देगा। साथ ही ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको जो है 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर जो है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इस डिवाइस की कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 एमएएच की स्टैंडर्ड साइज़ की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 20 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलो G85 का एक बजट लेवल का गेमिंग चिपसेट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जो है डिसेंट ही मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर डे टू डे टास्क काफ़ी इजीली कर पाएंगे, साथ ही आप नॉर्मल गेमिंग भी काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। और जैसा कि मोटो का स्मार्टफोन है, तो ये स्मार्टफोन आपको नियर स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है। और वहीं आपको इसके अंदर जो है थिंग सिल की एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी भी दी गई है, जिससे आपका जो है सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग 13,000 है। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है, जहां पर आपको 6G प्लस 128GB की स्टोरेज दी गई है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 15,000 है। तो अगर आपको कम बजट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, साथ ही आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील चाहिए, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, जब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर, तो ये डिवाइस आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 11S। और जैसा कि इन्फिनिक्स आजकल काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग में काफ़ी अच्छे फीचर्स को ऑफर कर रहा है, और यहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ सीन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है 6.95 इंच की एक बड़ी साइज वाली डिस्प्ले, जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और ये डिस्प्ले आपको IPS पैनल के साथ ही आता है। लेकिन यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्मूथ मिलेगा। और वहीं आपको बैक साइड की ओर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप ऑफर किया गया है, जिसका मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको बाकी के 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर जो है 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और वहीं इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 एमएएच की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो अब बात कर जाए इसके चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का जो है हीलो G96 का चिपसेट यूज़ किया गया है।
तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है मल्टीटास्किंग में कोई इशू नहीं होगा। साथ ही ये स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपका ऑडियो थोड़ा सा ऑर्डिनेंस हो जाएगा। 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 14,000 है। और वहीं इसका जो टॉप मॉडल है जो कि आपको 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग 16,000 है। वैसे अगर आप इस डिवाइस को सेल में ट्राई करेंगे तो इसका टॉप मॉडल भी आपको 15,000 के प्राइसिंग में ही मिल जाएगा। तो अगर आपको कम बजट में अच्छी खासी रैम चाहिए, साथ ही आपको परफॉर्मेंस और वहीं आपको बिग डिस्प्ले चाहिए, तो आप इसे जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, अब बात करते हैं एक नन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग गैलेक्सी M32। और यहाँ पर आपको मिलता है 6.4 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली इन्फिनिटी यू नॉच, जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको 90 हर्ट्ज का पैनल दिया गया है और ये डिस्प्ले आपको 800 पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, तो आप इस डिवाइस को जो है हार्ड सनलाइट में भी काफ़ी इजिली यूज़ कर पाएंगे। और वहीं आपको रियर साइड की ओर जो है 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड बाकी के 22 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर जो है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से कैमरा में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, यानी कि इसका कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 6000mAh की मैसिव बैटरी का यूज़ किया गया है, तो ये डिवाइस आपको नॉर्मल यूज में आसानी से 2 दिन निकाल देगा। बट इसे चार्ज करने के लिए ओनली आपको 15W का ही चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलो G80 का एक बजट लेवल का चिपसेट दिया गया है, तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलेगा। और जैसा कि सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉक्स की सिक्योरिटी दी गई है। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में मिल जाएगा, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। और इसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 15,000 है। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में एक नन चाइनीज फ़ोन चाहिए, साथ ही आपको सैमसंग की तरफ से ही फ़ोन चाहिए और आप एक डिसेंट यूज़र हैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ़ोन की ओर। तो ये डिवाइस आता है रियलमी की तरफ से, Realme 8i। और यहाँ पर आपको मिलता है 6.6 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज पैनल के साथ में आता है। और वहीं आपको बैक साइड की ओर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पर मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसके अलावा आपको बाकी के जो है 22 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिल जाता है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस को भी पावर देने के लिए 5000mAh की स्टैंडर्ड साइज की बैटरी यूज़ की गई है, बट यहाँ पर आपको ओनली 18W का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो बात करिए इसके चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलो G96 का एक गेमिंग चिपसेट मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं होगा। और ये डिवाइस आपको बेस वेरिएंट जो है 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 14,000 है। और वहीं इसका टॉप मॉडल आपको 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग 16,000 है। वैसे अगर आप इस डिवाइस को सेल के टाइम में बाय करेंगे, तो यहाँ पर आपको इजीली 1 से 2 हज़ार तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कम बजट में अच्छी खासी फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट चाहिए और वहीं आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रेडमी की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन रेडमी नोट 10S के बारे में, जहाँ पर आपको रेडमी की तरफ से कमाल की डिस्प्ले दी गई है, साथ ही आपको चिपसेट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.43 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और ये डिस्प्ले आपको 60Hz पैनल के साथ ही आता है, बट ये डिस्प्ले जो 1100 nits पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपको हार्ड सनलाइट में भी जो है विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं होगा। साथ ही ये स्मार्टफोन जो IP53 रेटिंग के साथ में आता है, अगर ये डिवाइस थोड़ा बहुत पानी में भीगता भी है, तो यहाँ पर डैमेज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। कैमरा की बात करिए तो ये स्मार्टफोन जो है क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पर मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल की दी गई है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड बाकी के 22 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। और वहीं इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिल जाता है, जिसे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और अच्छी बात है कि यह स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग, साथ ही आपको डे टू डे टास्क के लिए जो है मीडियाटेक का हीलो G95 का एक गेमिंग चिपसेट मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, कैजुअल गेमिंग आप काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। और ये डिवाइस जो है 6GB प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग करंट टाइम में 15,000 है। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं।
सो ही दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं Realme 8 स्मार्टफोन के बारे में, जहां पर आपको ऑलमोस्ट जो है Redmi Note 10S की तरह ही सारे फीचर्स सेम मिलता है। सिर्फ यहां पर आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइसिंग भी फिलहाल के टाइम में 1000 इंक्रीज़ हो चुका है, यानी कि ये डिवाइस आपको 16000 के प्राइसिंग में मिलेगा, जहां पर जो है 4G प्लस 128GB की स्टोरेज दी गई है। लेकिन ये डिवाइस आपको सेल के टाइम में जो है 15000 के प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है, तो आप उस टाइम बाय कर सकते हैं। सो ही गाइस, यही था 15000 के प्राइसिंग में आने वाले टॉप 7 कमाल के स्मार्टफोन्स। आई होप आपको जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।